गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन क्लास 8 इन द पीरियड ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बीजगणित से संबंधित आपको बहुत से चीजों के बारे में बताया था, जो बीजगणितों के पदों के बारे में, चर के बारे में, अचर के बारे में, जोड़ घटाना इत्यादि सारी चीजों के बारे में बताया था, गुणांक क्या होता है, ये सारी चीजों को बताया था। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, 7A। आप सभी लोग एक्सरसाइज 7A खोल लीजिए अपनी किताब की, अपना किताब खोले और उसमें 7A देखें, 7A एक्सरसाइज 7A। आप उसमें पाएंगे कि पहला सवाल है बहुपद ज्ञात कीजिए। आप किताब खोले, पेज देख लें, पेज है आपका 77, तो पेज 77 पे आपको मिलेगा, पेज 77 आपका आकार इसी में कर दे रहा हूं, यानी आप 77 पे खोले और उसके बाद 20 गणित के गुणनफल के बारे में आप जानकारी हासिल करें। बेटा आप ये ध्यान में रखें कि गुणनफल जो है दो विधि से होता है, एक पंक्ति विधि से होता है और एक स्तंभ विधि से होता है। तो पंक्ति विधि क्या देखेंगे, पंक्ति विधि है, और ऊपर नीचे करके पूरा करते हैं तो वह स्तंभ विधि हो जाती है, ठीक है। तो हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसान हो जाएगा पूरा, इसका कोई कठिन है नहीं। सीधे आगे देखिए, ये बराबर का चिन्ह लगा दें, ये 5 है और ये 3 है, इसमें क्या है गुणा, गुणा है ना, तो 5 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 15, 5 × 3 = 15, राइट। आप देखो x² × x^5 है, आपको पिछली कक्षा में बताया जा रहा है कि जब आधार एक ही हो, जब आधार एक ही हो, देखो ये आधार है ना एक्स एक्स, ये आधार से बोलते हैं और ये 2 और 5 को क्या बोलते हैं, धार बोलते हैं। तो जब आधार एक ही हो तो गुणा में, ये गुणा है तो गुणा प्रक्रिया, तो गुणा में क्या होता है, घात को जोड़ दिया जाता है, उसी आधार को लेकर के घात को जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 2 + 5, ये बराबर क्या हो गया एक्स के घात 7। तो बहुत सरल है, आप देख लीजिए 5 × 3 = 15 और x² × x^5 बराबर हो जाएगा ये x^7। कैसे हो गया, क्योंकि आधार एक ही है और ये गुणा की प्रक्रिया में है, इसलिए इसके घात जोड़ दिए जाते हैं। तो ये सीधे देखिए मैं यहाँ समझा दिया हूँ आपको, आप उसी तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। x² × x^5 यानी x² + 5, तो सीधा है, आप चाहे वैसे भी लिख सकते हैं, और यदि आपको इस तरह से ना समझ में आए तो सीधे ऐसे भी कर लें, 5 × 3 फिर × x² × x^5, ये बराबर हो जाएगा बेटा आपका 5 × 3 = 15 और x² जो वही सारी चीजें होगी, x² 2 और + 5 भी जोड़ेंगे, ये फिर लिख देंगे आप 15 × x^7, तो ये आपका ऐसा हो गया। तो आप सीखना है जैसे चाहे वैसे सीख लें। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया, दूसरा क्वेश्चन ठीक उसी तरह से उसे भी हल करने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए 3y² × y³ × x, अब यहां पर देखेंगे 3, तो ये बराबर आप देखेंगे 3 × अब y² है, y³ और x है, तो आप x को पहले ला दीजिए 3 × x, फिर उसके बाद × y² × y³, तो देखो बेटा ये आपका हो जाएगा 3x, ये 3 × x बराबर क्या होगा 3x, और y² × y³ वाई दोनों आधार की है तो यहां वाई लिख देंगे और धार को जोड़ देंगे, तो दो अवधि को जोड़ दिया तो कितना हो गया 5, तो 3x y² / 5, ये बता सकती है, चेक कर लेंगे। फिर आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, 5xy − 3x, यहां पे देखें 5xy यानी 5, ये 5 किसका करेंगे, एक्स वाई का गुणा, तो 5 का 5 करेंगे, फिर गुणे यहाँ एक्स का गुणा -3 है, तो आप चाहते हो यहाँ -3 लेंगे, -3 हो गया, और फिर उसके बाद xy × x यानी × x
इंटू वन, ये देखिए हो गया, ये माइनस थ्री इंटू एक्स हो गया, ये माइनस थ्री एक्स हो गया, और एक्स वाई ये है तो एक्स और वाई को यहां लगा दिया, यानी ये पूरा के रूप में हो गया एक्स इंटू वाई। तो क्या हुआ, फाइव इंटू माइनस थ्री इज इक्वल, ध्यान से देखें पांच में ऋण कितना पड़ा था, ये हो जाएगा ऋण फिफ्टीन, यानी ऋण पंद्रह, ऋण पंद्रह, और एक्स इंटू एक्स ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और फिर ये हो गया वाई। इतना आपको दिमाग थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ेगा कि कैसे कैसे समझाया गया है। तो पांच का पूरा ऋण कितने करेंगे, ऋण पंद्रह, फिर एक्स एक्स ये एक्स हो गया, और फिर ये एक्स वाई मान लो ये इसको एक्स वाई को उधर ला देते हैं, तो एक्स इंटू एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इस तरह से आपका आ गया माइनस फिफ्टीन एक्स स्क्वायर वाई। तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे समझ जाएंगे, आराम से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर वाई, ये है आपका क्वेश्चन, इंटू माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। आइए देखते हैं, माइनस फोर ये माइनस फोर इंटू ए स्क्वायर इंटू वाई इंटू माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आइए देखिए, माइनस फोर और ये माइनस बी, अगर आप पूरा कर दें तो ये हो जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो फोर ए स्क्वायर और ये हो गया बी, तो फोर ए स्क्वायर बी, ठीक है, फोर ए स्क्वायर बी, और फिर इसके बाद ये हो गया वाई इंटू एक्स स्क्वायर, यानी इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई, गुणा के रूप में है, तो ये माइनस अपना माइनस करूंगा तो देंगे प्लस, फोर एक्स स्क्वायर वाई इंटू बी एक्स स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं क्रम में फोर ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर वाई। तो ये आपका अपना आंसर, यू कैन चेक योर आंसर फ्रॉम योर बुक। तो प्यारे बच्चों, अब आइए इसका दूसरा सवाल गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करने के लिए मैं आपको पंक्ति विधि और अष्टक विधि दोनों का उपयोग बता सकता हूं, ठीक है। पहले हम पंक्ति विधि की तरफ ले चलते हैं, ध्यान से देखें, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वाई, एक्चुअली पहले क्वेश्चन में यू तक था, एबीसीडी यू तक था, उन सवालों को ऐसे ही आप लगाने का ढंग सीखेंगे, और इसमें भी ए से लेकर के अधिक तक है, यानी यू तक हो सकता है, इसमें भी हो, तो जहां तक हो, लेकिन कुछ सवालों को आपको मैं बताऊंगा, और अधिक से अधिक आप इसे देख करके क्वेश्चन का मतलब कैसे हल किया जा रहा है उसका अभ्यास करेंगे, और अभ्यास से ही आप सही होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर सारे सवाल को हम बता देंगे आप हल नहीं करेंगे तो आपको निश्चित रूप से नहीं आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन को समझ लेंगे आसानी से करने का तरीका, तो फिर आप सभी अपने आप सवाल को हल करेंगे और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ये मुझे विश्वास है कि जब आप स्टार्ट करोगे सवाल समझ जाओगे लगाना, तो आपको लगाने में इंटरेस्ट आएगा, और कोई रोकेगा तो आप रुकोगे नहीं, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस फाइव को कैसे हल करते हैं, आइए हम देखते हैं। एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस फाइव, ये देखो दो पद के रूप में है, एक पद ये है और एक पद ये, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस फाइव, राइट। इसको हल करने का ढंग सीखना है आपको, ये एक्स का होगा इसमें करेंगे, यानी लिखेंगे, देखो पहले एक्स लिखेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे एक्स प्लस फाइव, ठीक है। अब फिर देखो ये प्लस वन है तो आप यहां लिखेंगे प्लस वन, और फिर लिखेंगे इसको ब्रैकेट में कर देंगे एक्स प्लस फाइव, एकदम देखते जाइए, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, आप प्रयास करेंगे तो कठिन कुछ भी नहीं है। अब आगे देखिए, एक्स का पूरा एक्स में करना है, पूरा करना है इसमें, ये एक्स का होगा एक्स प्लस फाइव में, प्लस वन का होगा एक्स प्लस फाइव में, तो कैसे करते हैं देखो, ये एक्स का होगा एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स का होगा फाइव में करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस फाइव एक्स। ये ध्यान में रखते हैं कि प्लस इंटू प्लस इज इक्वल प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल माइनस, कार्य का अर्थ यह है कि समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक होता है और असमान चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक होता है, तो गुणा करते समय इस बात का ध्यान दो,
यहाँ पे सभी प्लस ही प्लस है, इसलिए इसका मान को भी यहाँ तक आया, सब प्लस में आया है। फिर आगे देखो ये प्लस वन करता है एक्स में, तो प्लस वन करता वन के होगा क्या होगा, एक्स में एक एकम को आगे एक्स ही होगा, जैसे पांच इंडिया का घटना होता है क्या होता है पांच एकम पांच, उसी तरह से एक्स का होगा एक में तो ये हो गया एक्स, फिर वन करता फाइव में देखो यहाँ तो ये आ गया प्लस फाइव, ठीक है। अब आप देखेंगे आगे ये हो गया बराबर एक्स स्क्वायर। अब समान पद यही है देखो, जो हमने ऊपर सवाल पिछली कक्षा में आपको बताया था, समान पद ये समान पद है देखो, तो समान पद ये 5x और x ये समान पद हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 5x है और प्लस x है, तो ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। जिन बच्चे को नहीं समझ में आता है ध्यान में रखेंगे कि इसका गुणांक 5 है और x का गुणांक क्या होगा 1 होगा, इसका जो भी चल रहा हो x y z कुछ भी हो अगर ये सिंगल है तो उसका गुणांक उसके साथ एक सदा रहता है, तो आप गुणांक इसका जानेंगे एक है तो पांच और एक को जोड़ने कितना हो गया छह और एक्स को उतार देंगे या पांच एक्स धन एक्स, ऐसे आप जोड़ करके समझना चाहो तो जोड़ सकते हो, जैसे पांच बार एक्स लिखो फिर एक एक्स जोड़ दो तो वो छह एक्स हो जाएगा। कहने का तात्पर्य जैसे आप समझो आसानी से समझ जाओ फिर उसके बाद आपकी गणित आसान हो जाएगी, तो 5x + 6x = 6x हो गया और फिर ये बचा प्लस 5। तो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज योर आंसर, यही आपका उत्तर है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज आंसर, ये आपका मल्टीप्लीकेशन यू हैव फाउंड, मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको ये उत्तर प्राप्त हुआ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। यू कैन चेक योर आंसर फ्रॉम योर आंसर बुक राइट। अगला देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका होगा बेटा x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस सेवन, इसी तरह से देख जाए x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस सेवन कैसे हल होगा इसको देखिए, ये x का गुणा इसमें होगा फिर माइनस फोर का गुणा इसमें होगा, आप ढंग से लिख लीजिए x गुणे फिर आप लिखेंगे x प्लस सेवन, एक बार दो बार तीन बार बाय करके इनटू देखते रहिए आपको समझ में आ जाएगा, फाइव माइनस फोर का गुणा x प्लस सेवन कर देंगे। अब x का गुणा x निकालो इसको ब्रैकेट में तोड़ो तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा सेवन एक्स, फिर उसके बाद माइनस फोर का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा बेटा आपका माइनस फोर एक्स, और फिर माइनस फोर का गुणा प्लस सेवन भी करेंगे जैसा कि अभी मैंने बताया कि माइनस और प्लस का गुणा जब होता है तो क्या होता है दो बार माइनस टू हो गया माइनस 28। अब आइए एक्स स्क्वायर ये प्लस प्लस सेवन एक्स है माइनस सेवन फोर एक्स है, तो जहां प्लस और माइनस जोड़े जाते हैं तो जाहिर सी बात ये देख लीजिए ये घटाना का ही होगा, जहां एक धन होगा एक ऋण होगा तो वहां घटेगा, घटने में क्या होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में घटाते हैं, तो ये सात एक्स है ये चार एक्स है तो सात में से चार को घटाएंगे कितना होगा तीन होगा, लेकिन जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगा देते हैं, तो ऑलरेडी आपको पता है सेवन एक्स बड़ा है उसका चिन्ह है प्लस है कि आप प्लस लगा देंगे और साथ में चार लगाएंगे तो थ्री और फिर लिखेंगे एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और फिर इसके बाद हो जाएगा माइनस 28, तो ये आपका आगे आंसर, दिस इज योर आंसर राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी देखें एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस एट, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस ए, जैसे मैंने बताया उसी तरह से इसको भी हल करना है, एक्स का गुणा एक्स माइनस एट में फिर ये माइनस थ्री का गुणा एक्स माइनस एट में, आइए एक्स होगा एक्स में करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स होगा माइनस एट में करेंगे तो क्या होगा बेटा माइनस एट एक्स, फिर माइनस थ्री का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या होगा माइनस थ्री एक्स, और फिर माइनस थ्री का गुणा माइनस एट में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 24, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस होता है तो प्लस होता है, ये भी ध्यान में रखना होगा आपको, बार बार ध्यान में रखना होगा कि हम जो गुणा कर रहे हैं उनके चिन्ह कैसे कैसे हैं, अगर धन ऋण में है तो ऋण हो जाएगा, ऋण ऋण में है तो धन हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखते हुए आप पढ़ते चले जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस 24। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर उतारेंगे
फिर ये माइनस एट एक्स है और माइनस थ्री एक्स है। अब चार माइनस माइनस दोनों आ जाए उसको जोड़ देते हैं तो आठ और तीन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ग्यारह होगा। लेकिन चिन्ह हमेशा किसका लगेगा जुड़ने में माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है ऋण है। अगर धन धन होता तो धन होता और ऋण ऋण है तो ऋण होगा लेकिन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आठ एक्स और थ्री एक्स कितना होगा बेटा होगा ग्यारह एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस ग्यारह एक्स प्लस 24 तो ये आपका हो गया आंसर। दिस इज योर आंसर एक्स स्क्वायर माइनस ग्यारह एक्स प्लस 24। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7। आइए इसको भी देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7। स्पीड को आपको बढ़ाना होगा क्योंकि कंपटीशन में स्पीड की जरूरत होती है। जो विद्यार्थी स्लो गति से चलते हैं वो विद्यार्थी किसी रेस को जल्दी प्राप्त नहीं कर पाते किसी रेस को जीत नहीं पाते हैं इसलिए स्पीड को भी स्ट्रांग रखना है और कॉन्फिगरेशन भी बना के रखना है कि हम जो क्रिया कर रहे हैं उसमें सकारात्मकता रहे। ये नहीं कि जल्दबाजी में गलती भी हो जाए तो इस बात का भी ध्यान रखना है और स्पीड को भी बढ़ाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स माइनस 7 में फिर प्लस 5 का अपना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 में। ओके देख लीजिए फटाफट तो आगे ढंग से लिखिए फिर उसके बाद सवाल लगाते जाइए एक्स स्क्वायर का अपना एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स टू पावर 4। जो मैंने बताया था कि जब दोनों का आधार नहीं हो पूरा में तो उसके घात आपस में जुड़ जाते हैं यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है एक्स हो गया और दो और दो जुड़ जाते हैं पावर 4 हो गया राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 7 एक्स स्क्वायर फिर प्लस 5 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएंगे प्लस 5 एक्स स्क्वायर फिर प्लस 5 का गुणा माइनस 7 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 35। दैट्स व्हाई आगे निकलते हैं हम इसमें एक्स टू दी पावर 4 फिर देखो ये माइनस 7 एक्स स्क्वायर और प्लस 5 एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा घटता है क्या होता है घटता है लेकिन बड़ी संख्या वाली की चिन्ह लगा देते हैं। ये बड़ी संख्या 7 एक्स स्क्वायर और 5 एक्स स्क्वायर में कौन है ये 7 एक्स स्क्वायर उसके पहले की चिन्ह क्या है ऋण है आप ऋण लिख सकते हो और 7 एक्स स्क्वायर में से 5 एक्स स्क्वायर को घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर। कैसे हो गया 7 में से 5 घटा दिया 2 हो गया और एक्स स्क्वायर को घटा दिया फिर ये माइनस 35। आप इसको देखें आप वीडियो देखें आपको समझ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर इज माइनस 35 इज योर आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपने गुणनफल को देखा आज मैं पंक्ति विधि बता दिया हूं कल आपको मैं बता दूंगा इसमें स्तंभ विधि का प्रयोग करते हुए ठीक है। लेकिन इतना ये है सवाल इसमें पहला दूसरा पूरा गुणनफल ज्ञान कर जाएंगे। बीजगणित में गुणनफल को जानना भाग को जानना जोड़ को जानना घटना को जानना यह अत्यंत आवश्यक होता है। यदि आप एक अच्छा विद्यार्थी गणित के बनना चाहते हो तो यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हो या और भी ऊंचाई में जाना चाहते हो तो मैथमेटिक्स पोर्शन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए तो निश्चय ही इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको इन पूरे सवाल को हल करने के लिए क्वेश्चन देता हूं ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।